हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है हमारा LCM, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो चलिए इसको हम समझते हैं, हम करते क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीपल का समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये 2 है और ये 10 है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो 2 है ये 10 को डिवाइड कर देता है। ठीक, आप देख लीजिए, 2 से अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 10। ठीक है, यानी जो 10 है 10 2 से डिविजिबल है, या यूं कहें कि जो 2 है 10 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए जो नंबर डिवाइड करता है, ये दो नंबर है हमारे पास, ये पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है यानी 2, 2 को हम बोलेंगे कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, और 10 को हम बोलेंगे कि 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो अगर अगर ए अगर ए वाला ये जो नंबर है ये अगर बी का मल्टीपल है, अगर ए बी का मल्टीपल है तो इसका मतलब बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो ए पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है कि 2 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से 10 डिवाइड हो जाता है, इसलिए जो 10 है वो 2 का मल्टीपल है। ठीक है, और देखिए 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 2 का मल्टीपल 6 भी हो सकता है क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड होता है, 2 का मल्टीपल 8 भी हो सकता है क्योंकि 2 से 8 भी डिवाइड होता है, 2 का मल्टीपल आपका 4 भी होता है ना, क्योंकि 2 से 4 भी डिविजिबल है। ठीक, तो ये समझ में आया कि मल्टीपल। ठीक है, अब ये देखते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, तो चलिए कॉमन मल्टीपल अब देखते हैं। कॉमन मल्टीपल के लिए, कॉमन मल्टीपल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम तो एक नंबर हम 2 ले रहे हैं और एक नंबर 3 ले रहे हैं। ठीक है, 2 से जो पहला नंबर डिवाइड होगा वो 2 होगा और 3 से जो पहला नंबर डिवाइड होगा वो 3 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ये इस 2 का मल्टीपल है और ये जो 3 है ये इस 3 का मल्टीपल है। ठीक है, सिमिलरली 2 से जो दूसरा नंबर डिवाइड होगा वो 4 होगा और 3 से जो दूसरा नंबर डिवाइड होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो ये 4 जो है आपका ये 4 2 का मल्टीपल है और ये जो 6 है आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक, अब देखिए 2 से जो तीसरा नंबर डिवाइड होगा वो 6 होगा और 3 से जो तीसरा नंबर डिवाइड होगा वो होगा आपका 9। तो आप देख क्या रहे हैं कि 2 और 3 के लिए यहाँ पे आपको जो कॉमन मल्टीपल दिखाई देगा वो 6 दिखाई देगा। ठीक है, 6 से छोटा, देखिए चूंकि 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 2 और 3 दोनों के दोनों 6 को डिवाइड करते हैं, इसलिए जो 6 होगा आपका दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, ये 2 का भी और 3 का भी। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर आपका 2 4 जा 8 होगा और 3 4 जा 12 होगा, फिर आपका 2 5 जा 10 होगा, 3 5 जा 15 होगा, फिर आपका 2 6 जा 12 होगा, यानी फिर आप देखेंगे कि 12 दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन ये जो 12 होगा ये 6 से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप पहुंच जाएंगे, है ना, देखिए 3 के बाद ये आपका 12 मिला, इसी तरीके से 18 आप देखेंगे, 18 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो 18 भी कॉमन मल्टीपल है लेकिन ये 12 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है लेकिन किसके लिए, 2 और 3 के लिए कॉमन मल्टीपल है। ठीक, तो अब कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ, एक ऐसा नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड होता है तो वो सबका वो उन सारे नंबर का कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 6 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो 6 होगा हमारा वो 2 का और 3 का दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 2 और 3 के मल्टीपल थे, 6 वाला, उसके बाद 12 वाला, उसके बाद 18 वाला, इसमें से हम देख क्या रहे हैं जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा वो 6 होगा, तो 6 को हम बोलेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, है ना। मल्टीपल का मतलब 2 और 3 से डिवाइड होने वाला, है ना, कॉमन मल्टीपल का मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला। ठीक, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 2 और 3 का जो हमने एलसीएम निकाला है,
टू और थ्री का जो हमने एलसीएम निकाला, ठीक है, चूंकि सिक्स है एलसीएम ऑफ टू और थ्री, तो इसका मतलब ये जो एलसीएम सिक्स है ना, ये वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि एलसीएम से हमें मिलता क्या है, एलसीएम से हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है अगर हम ए बी और सी का एलसी निकाल रहे हैं और एलसीएम आया डी, तो इसका मतलब डी वो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो ए से बी से और सी से तीनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, वो सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर, हर गिवन नंबर से, ठीक है, जो दिया गया जिसका हम एलसीएम निकालते हैं, इज एलसीएम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम कितने तरीके से निकाला जाता है ना, और इस पर बेस्ड कौन सी प्रॉब्लम्स बनती है, उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फाइंड द एलसीएम ऑफ 120 एंड 70, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें 120 और 70 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये ले लिए 120, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको 15, 3 से इसको 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35, 5 7 जो 35, 7 1 जो 7, ठीक। तो यानी 120 इज इक्वल टू हुआ 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और ये 5, ठीक है। तो ये हो गया 70 इज इक्वल टू हुआ 257, तो ये 257, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ये जो आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालते हैं, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले सारे प्राइम नंबर्स हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से, देखिए 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर और 7 है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये चारों प्राइम नंबर हमने नोट कर लिया, ठीक। हम चारों की हाईएस्ट पावर इसमें लिखते हैं, तो 2 की देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 वाली पावर नोट किए, 3 की देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ 1 ही है तो 1 वाली पावर लिए, 5 की देखिए दोनों में 1 ही है तो हाईएस्ट पावर 1 ही हुई तो 1 वाली पावर लिए, 7 का भी 1 ही है तो 1, ठीक है। तो इस तरीके से 2 3 जा 8, ये 5, ये आपका 8 5 जा 40 हो जाएगा और 7 3 जा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 840, देख लीजिए ऐसे ही देख लीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 840 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 18, 45 इन तीनों का, 120 एंड 225 इसका, 420 और 272 का, इन तीनों का, ठीक है। तीनों पार्ट में हमें एलसीएम निकालना है, ठीक। तो करते हैं, देखिए 15 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये 18 है तो 18 होगा आपका 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ठीक है, 18 6 इंटू 3 होगा और ये 6 आपका होगा 2 इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 45, चूंकि 9 इंटू 5 होगा तो 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम में देखिए क्या करते हैं, सारे प्राइम नंबर नोट करेंगे, तो प्राइम नंबर एक 2, ये 2 हो गया 3, 3 हो गया 5, 5 हो गया, और देखेंगे सबकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 नोट कर लिए, 3 की हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ 3 दो बार है, यहाँ भी दो बार है, ठीक है, यहाँ 1 है एक बार है, तो 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 होगी तो 2 ले लिए, 5 की हाईएस्ट पावर 1, ठीक। तो ये हो गया, आप दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 होगा तो 10 9 जा 90, तो इसका आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। इन दोनों को देखिए 120 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से 60, फिर 2 से 60 को तो 30, 2 से 30 को तो 15, 3 से 15 को तो 5, ये आ गया, ठीक है। अब 225 देखिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, चूंकि इनका सम 3 से डिविजिबल है, इनका सम 3 से डिविजिबल है, फिर नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा 21, एक कैरी आएगा तो 3 5 जा 15, अब 3 25 ये 75, फिर 5 5 25, फिर 5 1 जा 5, ठीक। अब देखिए
120 हो गया 2 की पावर 3। यहाँ 3 की पावर देखिए, इसमें देखिए 2 की पावर 3, इसमें तो 2 है नहीं लेकिन इसमें 2 है तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई। इसमें देखिए 3 1 12, यहाँ देखिए 3 2 12, यानी 3 की पावर 2 हाईएस्ट हो गई। 5 यहाँ 1 12, यहाँ 5 2 12, तो 2 हाईएस्ट पावर हो गई, इसलिए 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो आपका है ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा होगा 200, और इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18, 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद थर्ड पार्ट, इसमें ये है 420 और 272 फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से ये बड़े इजीली इजी वे में कट जाएगा, फिर 3 2 से कट जाएगा, फिर देखिए 516 सम जो है इस नंबर का, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 3 आ गया। ठीक, फिर 2 से देखिए 136 68 34 17, 17 प्राइम नंबर है तो खुद से ही कटेगा तो 17 ले लिए। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 हुआ प्राइम नंबर, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 17 हुआ, इतना प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 17। 17 सिर्फ एक बार है मैक्सिमम, तो 1 पावर लिए, 7 भी एक बार तो 1 पावर, 5 भी एक बार तो 1 पावर। ठीक, 3 देखिए 3 भी एक ही बार है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 1 पावर इसकी भी, 2 की हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो चूंकि हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 वाली लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 की पावर जो 4 है, ये 2 की पावर 4 आपकी 2 की पावर 3 8 होती है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी 16, 16 3 जाएगा 48, 5 7 ये 35 और ये 17। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 28,560। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना, हमको सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है, विच कैन बी डिवाइडेड बाई, जिसको डिवाइड किया जा सके, किससे डिवाइड किया जा सके, 18 से, 21 से, 24 से और 27 से। ठीक है, तो देखिए लीस्ट नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो लीस्ट नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए वो हमें एलसीएम से मिलता है, यानी इन चारों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं चारों को, पहले चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक, देखिए ये आपका 18, ये 2 9 जा 18 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा तो ये हो गया, 3 7 जा 21 ये आपका, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, चारों का। अब अगर हम प्राइम फैक्टर देखें, ठीक है, तो 18 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 की पावर 2, 21 के 3 और 7, 24 के ये हो गए 2 की पावर 3 और ये 3, 27 के हो गए 3 की पावर 3। ठीक, एससीएफ निकालने के लिए, एससीएफ निकालने के लिए हमें चारों के चारों, है ना, एससीएफ निकालने के लिए हमें चारों के चारों नंबर में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं सबको नोट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक, ये हम प्राइम फैक्टर लिए 2 3 और 7। ठीक, अब ये देखिए हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ 2 की अगर आप हाईएस्ट पावर देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए 3 लिए, 3 की अगर हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 लिए, 7 की पावर हाईएस्ट 1 ही है तो 1 नोट किए, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 3 यानी 27, 7 की पावर 1, ठीक है, तो ये 7 ही होगा, इस तरीके से 8 7 जा 56 और ये हो जाएगा 27, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका एलसीएम आ जाएगा 1512। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई ऑल इवन नंबर अप टू 12। ठीक है, हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए, हमें वो सबसे छोटा नंबर चाहिए जो 12 तक के सभी इवन नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 12 तक के सभी इवन नंबर क्या होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, 10 12, ठीक है, ये 5 होंगे। ठीक, अब हम 5ों का एलसीएम निकालते, देखिए ये भी एक मेथड है एलसीएम निकालने का, हम इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 1 जा 2, 6 को 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक, अगर नहीं डिवाइड होता तो वैसे ही नोट कर लेते। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो नहीं, 1 ही रहेगा, 3 नहीं डिवाइड होगा 3 को नोट कर लेंगे, 4 डिवाइड होगा 2 2 जा 4,
5 डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे नोट कर लेंगे, 2 3 या 6। फिर 2 से देखिए, अब सिर्फ ये 2 डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो ये 3 दोनों खत्म हो जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 5। ठीक, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक, तो एलसीएम क्या हुआ, 2 की पावर 3 आपका 8 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और ये हो गया 120। तो ये एक दूसरा मेथड है ना एलसीएम फाइंड आउट करने का। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर आप बताइए, विच वेन डिवाइडेड बाई, जिसको जब डिवाइड किया जाए 2 से, 3 से और 5 से, लीव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको जब इन तीनों से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आए। 2 से डिवाइड करने पे भी 1 आए, 3 से भी, 5 पे भी। तो देखिए एलसीएम से हमें ये चीज तो नहीं पता चलती, लेकिन ये पता चलता है कि 2, 3 और 5 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो 2, 3, 5 से डिवाइड होने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम देखिए इसमें चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, तो ये हो गया इनका एलसीएम 30। ठीक, अब देखिए तो एलसीएम हमें 30 मिल गया। अब देखिए ये 30 है क्या, ये 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको 1 बचाना है, तो 1 अगर बचाना है, ठीक है, 2 से 30 तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, अगर 1 जोड़ दें तो 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 30 तक डिवीजन जाएगा, 1 में नहीं डिवीजन जाएगा तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सिमिलरली 3 से भी 30 तक जाएगा, 1 में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से भी 30 जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम है। ठीक है, डिवाइड होगा ही होगा, तो 5 से 30 तक तो डिवीजन चला जाएगा, लेकिन यहाँ 31 हमने 1 ऐड कर दिया है तो ये 1 हमें एज ए रिमाइंडर मिल जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 15, इन चारों नंबर से जब उसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आए हर केस में। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर को बाद में देखिए, हम जानते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा वो नंबर इनके एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 8 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3, 9 को आप लिखेंगे 3 की पावर 2, 12 को चूंकि 4 इंटू 3 लिखते हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5। ठीक है, और प्राइम नंबर 2 है, 3 और 5 है, तो ये प्राइम फैक्टर है 2, 3 और 5। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ये नोट कर लिए। 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, ये नोट कर लिए। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, और ये 5, 8 9 जा 72, 72 इंटू 5 360। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम आ गया 360। चूंकि एलसीएम हमारा 360 है तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर 1 बचाना है तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, 1 जब ऐड कर देंगे तो 307 तो पूरा डिवाइड होगा, बट जब ये 361 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि डिवीजन सिर्फ कहाँ तक जाना, 360 तक होना है। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सिमिलरली 9 से भी 360 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा, 12 से 360 पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 15 से चूंकि 360 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 360 के केस में रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चारों के केस में, चारों से 360 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए जब एक जोड़ देंगे इसमें तो 361 मिलेगा, और 361 में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 हमें हर केस में मिलेगा। ठीक है, तो वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 361 हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 5 डिजिट। ठीक है, हमें 5 डिजिट्स में वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए विच इज डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड हो जाए किससे, 70 से डिवाइडेड हो जाए, 75 से डिवाइडेड हो जाए, 80 से डिवाइडेड हो जाए। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 5 डिजिट वाला जो 70 से, 75 से और 80 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमें ये तो नहीं पता है ना कि 5 डिजिट का कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर
ठीक है, डिवाइडेड होगा 70 से, 75 से और 80 से, और आप देखिए तीनों से डिवाइड होगा ना। आप 70 से ऐसे कैसे चेक करेंगे, 70 से चेक करेंगे, 75 से चेक करेंगे, 80 से चेक करेंगे, तीनों से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो देखिए हम जानते हैं कि 5 डिजिट का तो नहीं, लेकिन जो सबसे लीस्ट नंबर होगा है ना, सबसे छोटा जो नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा, वो आपका इन तीनों के एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम उसी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक, उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका 70, 75 और 80। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक, तो देखिए 70 ये 35 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने पर 75 ऐसे ही रहेगा, ये 40, फिर 2 से इसको करेंगे ये 35 ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 40 20 हो जाएगा, फिर इस 2 से 35, ये 75, ये 20 आपका 10 हो जाएगा, फिर इस 2 से 35, ये 75, ये 5 हो जाएगा। आप देखिए अब 3 से करेंगे तो 35 35 ही रहेगा, नहीं डिवाइड होगा, बट ये 25 75 25 हो जाएगा और ये 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 5 7 जो 35, 5 5 जो 25, 5 5 जो 5, तो इस तरीके से ये हमारा एलसीएम हमने कर लिया। अब एलसीएम के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 आपकी होगी, क्योंकि ये जो पावर 4 है ये होगी 16, 16 और 3 हो जाएगा 40 है। ठीक है, इसके बाद ये 5 और ये 5 है ना, 5 और ये 5, और यहाँ से 7 मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 25 और ये 7। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 8400। ठीक, यानी जो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाए वो होगा 8400। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इन तीनों से डिविजिबल होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर चाहिए, और हम जानते हैं 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर हो सकता है वो यही हो सकता है। ठीक है, इससे बड़ा कोई नंबर 5 डिजिट का नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से, ऐसा 5 डिजिट का नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम जानते हैं इन तीनों से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होगा वो 8400 होगा। ठीक, तो अब इन तीनों से कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर डिवाइड होगा, ये पता करने का तरीका ये है कि इस नंबर से, एलसीएम वाले नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर 8400 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो जो नंबर 8400 से डिवाइड हो जाएगा, चूंकि 84 इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए जो नंबर 8400 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं 8400 से कौन सा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिविजन करते हैं। ठीक, तो 8400 से हम 99,999 को डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 टाइम्स, ये देखिए 8400 आ जाएगा, 9 में से 0 गया 9, ये 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 जाएगा, ये 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 जाएगा, ये जाएगा 1599। ठीक है, ये वाला 9 यहाँ नोट करेंगे। अब 1 टाइम्स और ये जाएगा, ये आ जाएगा 7599। ठीक है, तो हम देखें क्या कि ये 8400 से 11 टाइम्स है ना ही जा रहा है, बाकी ये नंबर बच जा रहा है रिमाइंडर, अब ये डिवीजन नहीं जाएगा। ठीक, तो दो तरीका है, या तो आप 8400 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा। देखिए 11 0 जो 0, ये 11 4 जो 44, 11 8 जो 88 होगा, इसलिए 88 और ये 4 हो जाएगा आपका 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 92,400। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो भी पता चल जाएगा, ठीक है, कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा, तो माइनस कर देंगे तो भी इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर इज 3 डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाई 10, 12 एंड 15 लीव रिमाइंडर 4 इन ईच केस, लीव रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ठीक है, हर केस में रिमाइंडर 4 बच रहा है। ठीक, इसमें देखिए 3 कॉन्सेप्ट मिक्स है, पहला पहला कि तो एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ कहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 डिजिट होना चाहिए,
ग्रेटेस्ट नंबर इन थ्री डिजिट होना चाहिए, ठीक है, जिसको इनसे डिवाइड, ग्रेटेस्ट नंबर इन थ्री डिजिट होना चाहिए जिसको इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर फोर बचे। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटेस्ट नंबर इन थ्री डिजिट फाइंड आउट करेंगे, है ना, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 10, 12 और 15 से। जब पता चल जाएगा कि हाँ ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम 4 ऐड कर देंगे, तो जब 4 ऐड कर देंगे तब डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचने लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए एलसीएम निकालेंगे। 10, 12, 15 का देखिए 2, 5 या 10, 2, 6 या 12, ये 2, 3 या 6, फिर देखिए 3, 5 ये इसी रहेगा, 3, 1 या 3, 3, 5 या 15, तो ये आ जाएगा 2, 2 या 4, 4, 3 या 12, 12, 5 या 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 एलसीएम हो गया, ठीक, तो एलसीएम हो गया 60, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। हम जानेंगे कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है थ्री डिजिट का जो इन तीनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए डिविजन करेंगे हम। तो 60 से 1 टाइम्स में 60 होगा, तो 9 में से 0 गया 9, और ये हो जाएगा 3, ये 9 नोट कर लेंगे, 6 टाइम में 360 चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 बच जाएगा, ठीक, तो 39 बच रहा है। अब डिवीजन कहाँ तक जाएगा, डिवीजन जाएगा 60 × 16 तक, ये जो है, ठीक है, तो 16 × 6 = 96, ठीक। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर इन थ्री डिजिट जो इन तीनों से डिवाइजिबल होगा, ठीक है, किससे, 10 से, 12 से और 15 से डिवाइड होने वाला जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा थ्री डिजिट का, वो 960 होगा। तो चूंकि हमें डिविजिबल नहीं करना, 4 रिमाइंडर बचाना है, कि जब हम इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 बचे, तो 960 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 964, और ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होगा। तो अब हम लोग अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर थ्री स्केल्स, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तीन स्केल है, जिसमें से एक 40 सेंटीमीटर की, एक 50 सेंटीमीटर की और एक 60 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ, व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ विच कैन एग्जैक्टली बी मेजर्ड बाय ऑल द थ्री स्केल्स, वो सबसे छोटी लेंथ क्या होगी जो इन तीनों से हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर मान लिया 2 होता, 3 होता, 4 होता इनकी जगह, ठीक है, तो आप सोचिए 2 से जब आप मेजर करते तो 2 से आप किसको मेजर करते, 2 से जब आप मेजर करते तो 2 से 2 को मेजर करते, एग्जैक्टली मेजर करना ना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। 2 से आप 4 को मेजर कर लेते 2 बार में, 6 को मेजर कर लेते 3 बार में, 8 को मेजर कर लेते 4 बार में, 10 को मेजर कर लेते 5 बार में, 12 को मेजर कर लेते 6 बार में, ठीक है, 6 बार अगर स्केल 2 यूनिट की होती। अगर 3 यूनिट की होती तो 3 को मेजर कर पाते, 6 को मेजर कर पाते, 9 को मेजर कर पाते, 12 को मेजर, क्योंकि एग्जैक्टली मेजर करना है, ठीक है, इसको 4 बार में, इसको ठीक इस तरीके से। 4 से अगर आप करते तो 4, 8, 12, 16 इस तरीके से, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर आपको ये जानना हो कि अगर ये तीन तरीके की स्केल है, स्केल हमारी ये तीन तरीके की है, तो कौन सी वो पर्टिकुलर स्केल, ये अगर स्केल हमारी तीन तरह की है तो कौन सी वो छोटी से छोटी लेंथ होगी। देखिए कह रहा व्हाट इज द लोएस्ट लेंथ, क्योंकि सबसे सबसे लोएस्ट लेंथ है इसलिए लोएस्ट ये एल आता है, विच कैन बी एग्जैक्टली मेजर्ड बाय ऑल थ्री स्केल्स, ठीक है, इन थ्री स्केल से हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजर तो तब भाई एग्जैक्टली तभी मेजर कर पाएंगे, जैसे 40 से आप 60 सेंटीमीटर की लेंथ को नहीं मेजर कर पाएंगे, लेकिन 80 को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि 40 से 80 डिविजिबल है। 50 से आप 80 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 को कर पाएंगे। 60 से आप 100 को नहीं कर पाएंगे, लेकिन 120 को कर पाएंगे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उससे डिविजिबल है। तो वो छोटी से लेंथ जो इन तीनों से डिविजिबल होगी, जो इन तीनों से डिविजिबल होगी, ठीक है, उसी को आप एग्जैक्टली मेजर कर पाएंगे। तो अब ऐसी छोटी लेंथ जो ये तीनों से डिविजिबल हो, है ना, ऐसी छोटी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, एलसीएम से मिलेगी। उसी तरीके से इन तीनों स्केल से, है ना, सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन होगी, देखिए यहाँ पे आप देखिए 2 से आपको 12 मिल रहा है, 3 से भी 12 मिल रहा है, और
फोर से मीटर मिला है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो लेंथ होगी जिससे आप इन तीनों को मेजर कर सकते हैं वो आपकी 12 होगी, और वो 12 आप ध्यान दीजिए इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी वो छोटी लेंथ हमें एलसीएम से मिलेगी, तो 40, 50, 60 इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, है ना। 2 से 40 फिर ये आपका 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, फिर ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका 25 है, ये आपका 15 हो गया। तो इस तरीके से एलसीएम आपका कितना है, देखिए एलसीएम आपका आया 600, है ना। एलसीएम 600 आया, तो वो जो छोटी सी लेंथ होगी वो 600 होगी, ठीक है, जिससे आप इन तीनों को, जिसको आप इन तीनों से मेजर कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए स्कूल द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन जूनियर सेक्शन इज 40 मिनट। कह रहा है जूनियर सेक्शन में जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट का है, ठीक है, और जो सीनियर सेक्शन में वो 1 आवर यानी 60 मिनट का है। इफ द फर्स्ट बेल फॉर ईच सेक्शन रिंग एट 9 AM, ठीक है। वह क्या था कि जब बेल स्टार्ट हुई है तो 9 AM पे, है ना, हर सेक्शन में जो है बेल रिंग की है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन विल टू बेल रिंग टुगेदर अगेन, कह रही है कि ये दोनों बेल कब एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो हम देखें कि 40 मिनट के और 60 मिनट के अंतर पे अगर ये बजती है, ठीक है, तो कभी एक साथ बजेंगी, ठीक। आप सोचिए, ये 40 मिनट पे तो बज जाएगी एक बार और, लेकिन ये 40 मिनट पे नहीं बजेगी, ये जाके बजेगी 60 मिनट पे, क्योंकि 60 से 60 डिवाइड होगा, 40 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 40 के बाद फिर 80 से डिवाइड, 80 मिनट के बाद बजेगी, ठीक है, क्योंकि 40 से 60 तो डिवाइड नहीं होगा, और 60 वाला 120 मिनट के बाद, फिर ये 40 वाला 120 मिनट के बाद, ठीक। तो आप देखिए 120 मिनट के बाद ये भी और ये भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि 40 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 60 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये पता चला कि हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों बेल कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी, हमें पता चलेगा ये चीज एलसीएम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 40 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। 40 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ करके हमने देखा है, ठीक है, तो वो आएगा 120 यानी 2 आवर, ठीक। तो ये आपका 2 आवर आ गया एलसीएम, है ना। अब 9 AM पे जब एक साथ बजी थी तो 2 आवर आप ऐड करिए, फिर कितने देर बाद एक साथ बजेंगे, 11 AM पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 3 साइकिलिस्ट हैं, और जो तीनों साइकिलिस्ट हैं हमारे, तो चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साइकिलिस्ट रन अ 40 किलोमीटर लॉन्ग सर्कुलर वे एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 40 किलोमीटर का जो सर्कुलर वे है, ठीक है, उस पे जो है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, ये 3 साइकिलिस्ट जो है मूव कर रहे हैं, ठीक। अब क्या देखिए, क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट वेयर हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, ठीक है। कह रहा है कितने देर बाद ये तीनों के तीनों उस पॉइंट पे मिल पाएंगे जहां से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम टाइम, जब नंबर्स हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, यानी जो वैल्यू की हो, जब वो टाइम होगी, चूंकि ये स्पीड है ना, स्पीड का एलसीएम निकाल के आप टाइम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक। तो हमें चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले साइकिलिस्ट को कितना टाइम लग रहा है, दूसरे को कितना टाइम लग रहा है और तीसरे को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर पहले साइकिलिस्ट को 2 मिनट लग रहा होगा, तीसरे को 3 मिनट लग रहा होगा और चौथे को 4 मिनट लग रहा होगा, ठीक है, आने तो जिसको 2 मिनट लगेगा वो, तो देखिए पहले ये 2 मिनट चला जाएगा, तब तक इनका कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर ये चौथे मिनट पे जाएगा तो यहाँ भी वो, ये भी पहुंच जाएगा, इसका 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, इसका 2 राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, और ये तीसरे में 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। फिर इस तरीके से जब 12 वाला मिनट होगा, 12 वाला मिनट, ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि 6 राउंड इसके कंप्लीट हो चुके होंगे, 4 राउंड इसके कंप्लीट हो चुके होंगे और 3 राउंड इसके कंप्लीट हो चुके होंगे, और सब के सब एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है। यानी फिर वही बात, ये नंबर ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, इसलिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पहले इसको हम
टाइम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कितने टाइम बाद ये मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए, टाइम निकालने के लिए, चूंकि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो देखिए, पहले के लिए डिस्टेंस ये है 40 किलोमीटर और स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डिस्टेंस ये डिवाइडेड बाई स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 15 किलोमीटर और 60 मिनट, ठीक है। डिवीजन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 40 × 60/15 हो जाएगा, 15 × 4 आपका 60 होता, तो ये हो जाएगा 160 मिनट, ठीक। सिमिलरली इसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं टाइम में, ठीक है। तो देखिए, पूरी डिस्टेंस 40 है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ये देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये स्पीड आपकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो 20 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लिकेशन में बदलने के लिए, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे, तो देखिए 23 + 60 और ये हो गया 120 मिनट। सिमिलरली थर्ड केस में ये जो 40 किलोमीटर है ना, तीसरा वाला, ये 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो 25 / 60 हो जाएगा, ठीक है, पर आवर का मतलब 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 × 60/25, इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे तो आ जाएगा 96 मिनट। तो पता चला कि पहला वाला 160 मिनट में पूरा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, दूसरा वाला 120 में, और तीसरा वाला 96 मिनट में, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो हमें जानना है कि कब ये सब सेम पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, ठीक है। एक 96 मिनट में यहाँ पे आ रहा है, दूसरा 120 पे आ रहा है, तीसरा 160 पे आ रहा है, ठीक है। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पता चलेगा कि जस्ट एक बार के बाद, है ना, ये कितने देर बाद आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, टाइम आफ्टर विच दे विल मीट, वो क्या होगा, वो इन तीनों का एलसीएम होगा, 160 का, 120 का और 96 का। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 160, 120 और 96 का, ठीक है। तो देखिए, 160, 120, 96, 2 से ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 48, ये 40, ये 30, ये 24, इसी तरीके से 20, ये 15, ये 12 हो जाएगा, ये 10, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 की जो पावर यहाँ पे आएगी वो आएगी 5, और ये होगा 3 × 5, तो 2 की पावर 5, 3 × 5, ये 32 × 15, 480, यानी ये हो गया 480 को जब आवर में बदलेंगे तो 8 घंटे बाद, है ना, ये सब के सब वापस आके यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ठीक है, सबके पास आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग देखें, और मैं आपके लिए इसी तरीके से हर बार एक नया कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। शुक्रिया।